वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्चिड स्कूल शिक्षण आपल्या दारी। मार्गदर्शिका श्रीमती रूपाली हजारे मैडम, विषय अध्यापिका नावी शेख, विषय हिंदी कक्षा तीसरी। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में आपने पठन किया था प्रकृति की गोद में डॉल्फिन। इसके लेखक थे अखिलेश श्रीवास्तव चमन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने क्या मालूमत ली थी डॉल्फिन मछली के बारे में। हमने इस पाठ में पठन किया था, ये जो डॉल्फिन मछली है, ये जो डॉल्फिन मछली है, ये कैसा रहना पसंद करती है? समूह में रहना पसंद करती है। दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको? ये जो डॉल्फिन मछली है, ये समूह में रहना पसंद करती है। इसका भोजन होता है घोंगे, छोटे मछलियां और अन्य समुद्र जीव। और ये मनोरंजन पार्क में इसे पाला जाता है। ये तरह तरह के करतब दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती है। और क्या इसकी खासियत है? डॉल्फिन मछली बहुत धीमी आवाज भी सुनती है। और इसके जो दांत होते हैं, वो किसका काम करते हैं? एंटीना का, जैसे कि रिसीव के जैसा वो उसके दांत काम करते हैं। और डॉल्फिन मछली कैसी है? वो मनुष्य पर हमला नहीं करती, मनुष्य को बचाकर बचाने में वो सहायता करती है। और क्या है इसकी विशेषता? डॉल्फिन मछली संकेतों के द्वारा अपनी बात करती है, और वो सांस लेने के लिए हर आधे घंटे के बाद वो बाहर आती है। इस तरह से ये पानी के बाहर उछल कर आती है और सांस लेकर वापस अंदर जाती है। तो इस प्रजाति को बचाने के लिए लेखक ने हमें क्या सलाह दी है? जो प्रदूषण है उसे हमें रोकना है। नदियों में जो प्रदूषण होता है, कूड़ा कचरा करकट जो हम लोग फेंकते हैं, कारखाने से निकलने वाले जो दूषित रसायन पदार्थ होते हैं, इसके वजह से, ये प्रदूषण के वजह से क्या है, ये डॉल्फिन मछलियाँ कम हो रही है। तो लेखक ने हमें सलाह दी है कि प्रदूषण का रोकथाम हमें करना है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? ये जो डॉल्फिन मछली है, हमारे साथ मित्रता के साथ रहती है। ओके, इसके बाद अब हम लोग इसका स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। तो इस पाठबोध से जो स्वाध्याय है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो ये जो क है, यहाँ पर क्या दिया है? पृथ्वी का कितना हिस्सा समुद्र से घिरा है? जब मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था, आपने पठन किया है नहीं पाठ? किया हो तो इसका आंसर दे दो, एक तिहाई, आधा, दो तिहाई। तो बच्चों, पृथ्वी का कितना हिस्सा समुद्र से घिरा है बताओ, क्या इसका सही आंसर? एक तिहाई। तो यहाँ पर इस तरह से ये सही का निशान हमें लगाना है। इसके बाद क्या है ख? डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तालाब में, झील में, समुद्र वो नदियों में, कहाँ पाई जाती है वो बताओ? पता है ना आपको? पाठ में हमने क्या पढ़ा? समुद्र में, समुद्र वो नदियों में। इसके बाद डॉल्फिन किस प्रजाति से संबंध रखती है? डॉल्फिन ये क्या है? मछली है, कछुआ है या केकड़ा है? क्या है डॉल्फिन? हाँ सही है, मछली। तो यहाँ पर हमें इस तरह से टिक मार करना है। डॉल्फिन के दांत आवाज सुनने के लिए किसका काम करते हैं? किसका काम करते हैं वो? रेडियो का, संकेत का, एंटीना का। किसका काम करते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, बताओ जल्दी से। हाँ बराबर है, एंटीना का सही जवाब है। तो इस तरह से हमने ये टिक मार्क कर दिया। पृथ्वी का कितना हिस्सा समुद्र से घिरा है? एक तिहाई। डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? समुद्र व नदियां में। डॉल्फिन किस प्रजाति से संबंध रखती है? मछली। डॉल्फिन के दांत आवाज सुनने के लिए किसका काम करते हैं? एंटीना का। समझ में आ गया? ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरिए। क क्या है? डॉल्फिन 4 फुट से टिम्ब टिम्ब तक
लंबी होती है। मैंने बताया था ना आपको, एक फुट यानी कितने इंच थे, 12 इंच। और यहाँ पर ये बताया था 4 फुट से लेके कितने फीट तक, बोलो, 4 फीट से लेके 30 फीट तक लंबी होती है। इस तरह से ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्या है, डॉल्फिन टिम्बर डाइडैश में रहना पसंद करती है। कैसे रहती है वो, अकेली रहती है, समूह में रहती है, कैसे रहती है, समूह। तो यहाँ पर इस तरह से लिखना है, समूह, डॉल्फिन समूह में रहना पसंद करती है। बच्चों को करतब दिखाने के लिए इन्हें कहाँ पर रखा जाता है, बताओ। हाँ बराबर है, मनोरंजन पार्कों में। यहाँ पर क्या करती है, अलग अलग तरीके के करतब दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती है। आंसर बराबर लिखना है, देखो बच्चों, स्पेलिंग मिस्टेक करना नहीं है। डॉल्फिन 4 फुट से 30 फुट तक लंबी होती है, ये आंसर बराबर लिखो। उसके बाद है सेकंड, डॉल्फिन टिम्बर टिम्बर में रहना पसंद करती है। कहाँ पर रहती है वो, समूह में रहना पसंद करती है। बच्चों को करतब दिखाने के लिए इन्हें कहाँ पर रखा जाता है, मनोरंजन पार्कों में पाला जाता है। ठीक है, लिखा सभी ने, वेरी गुड। नेक्स्ट पेज नंबर 52 ओपन करो। यहाँ पर देखो, भाषा बोध, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों के सामने एक वचन अथवा बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, मछली। मछली का बहुवचन क्या आएगा, मछली एक वचन है या बहुवचन है, हाँ एक वचन है, तो इसका हमें बहुवचन करना है। मछली का क्या आएगा, मछलियां। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखना है, मछलियां। अभी ये देखो सेकंड, योजनाएं। योजनाएं एक वचन है या बहुवचन है, हाँ बहुवचन है, तो हमें इसका क्या करना है, एक वचन बनाना है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, योजना, एक वचन क्या आएगा, ये योजना। समझ में आ गया बच्चों, एक वचन बहुवचन कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है तैराक। तैराक यानी जो स्विमिंग करता है उसे हम क्या बोलेंगे, तैराक। तो तैराक क्या है, ये तो बच्चों तैराक ये इसका एक्चुअली एक वचन अथवा बहुवचन क्या है ये लिखना है हमें, इसका एक वचन बहुवचन बनाना नहीं है। तो मछली ये क्या है, एक वचन है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये एक वचन। योजना ये क्या है, बहुवचन। तैराक ये क्या है, एक वचन, तो यहां पर हमें लिखना है एक वचन। और संख्या, संख्या क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, ये है बहुवचन। निम्नलिखित शब्दों के सामने एक वचन अथवा बहुवचन लिखना है, यानी ये एक वचन है या बहुवचन ये लिखना था। तो यहाँ पर मछली क्या है, एक वचन है, योजनाएं है बहुवचन, तैराक है एक वचन, संख्या है बहुवचन। उसके आगे देखो क्या है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। देखो अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी क्रिया कौन सी हो रही है, बात करना है ना। अब मैं यहाँ पर कुछ बोर्ड पे लिखती हूँ तो फिर मेरा काम क्या है,
टीचर बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो फिर लिख ये क्या हो गया, मेरी क्रिया हो गई। मैं बात कर रही हूँ तो मेरी क्रिया क्या हो गई, बात करना। ओके, तो इस तरह से जैसे रमेश खेल खेलता है, इसमें खेल खेलने का काम हो रहा है ना, तो ये जो सेंटेंस है इसमें से क्या दिखाई दे रहा है, खेल, खेल खेलना क्या है, ये काम हो रहा है, इसलिए यहाँ खेलना क्रिया हो गई। समझ में आ गया क्रिया क्या। अब मैं आपको लिखने बोल रही हूँ, तो रमेश लिख रहा है, तो लिखना ये क्या हो गया, क्रिया हो गई। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर डॉल्फिन करतब दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो गई, डॉल्फिन क्या करती है, करतब दिखाती है, करतब दिखाने से बच्चों का क्या हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, मनोरंजन, तो यहाँ पर क्या आएगा, मनोरंजन। मनोरंजन करना ये क्रिया हो गई। उसके बाद देखो डॉल्फिन बहुत धीमी आवाज सुनती है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, सुनने की क्रिया हो रही है ना, तो सुनना, सुनना ये क्रिया यहाँ पर हो गई। उसके बाद है उसने फंसे हुए तैराकों को गोल घेरा बनाकर बचाया, तो देखो कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर, बचाने की क्रिया हो रही है ना, उसने फंसे हुए तैराकों को गोल घेरा बनाकर बचाया है, तो कौन सी क्रिया हो गई है, बचाना। तो इस तरह से ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्या है, समझ में आ गया सभी के, डॉल्फिन करतब दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती है, तो मनोरंजन करना ये क्रिया हो गई। सेकंड, डॉल्फिन बहुत धीमी आवाज भी सुनती है, तो कौन सी क्रिया हो रही है, डॉल्फिन के बारे में सुनना, तो यहाँ पर ये सुनना ये क्रिया आ गई। उसने फंसे हुए तैराकों को गोल घेरा बनाकर बचाया, तो बचाना ये क्रिया यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार शब्दों का ठीक क्रम से लिखकर वाक्य बनाइए। हे राम अच्छा बहुत गाता, तो इससे कुछ हमें पता चलता है क्या, इस तरह से पढ़ने से नहीं, तो फिर ये क्या है, अशुद्ध लेखन है, हमें शुद्ध लिखना है, तो यहाँ पर ये दिया है राम बहुत अच्छा गाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तैर है मछली नदी रही में, इससे क्या हमें समझ में आता है क्या, क्या लिखा है, तो इसका सेंटेंस कैसा बनाएंगे बताओ। हाँ ठीक है, नदी में मछली तैर रही है, नदी में मछली तैर रही है, इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। ठीक है, तैर है मछली नदी रही में, तो मछली नदी में मछली तैर रही है, इस तरह से सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट क्या है, था जंगल एक रहता शेर में, क्या आएगा यहाँ पर, जंगल में एक शेर रहता था, जंगल में एक शेर रहता था, इस तरह से आंसर आएगा। समझ में आ गया, नदी में मछली तैर रही है, जंगल में एक शेर रहता था, इस तरह से ये सेंटेंस पूरा करना है। ठीक है, लिखा सभी ने,
समझ में आ गया? एक वचन बहुवचन, मछली एक वचन, योजनाएं बहुवचन, तैराक एक वचन, संख्या बहुवचन। उसके बाद क्या है, डॉल्फिन करतब दिखाकर बच्चों का मनोरंजन करती है। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो गई, मनोरंजन करना, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, डॉल्फिन बहुत धीमे आवाज भी सुनती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, क्रिया सुनना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसने फंसे हुए तैराकों को गोल घेरा बनाकर बचाया। तो यहाँ पर बचाना ये क्रिया हो गई, इस तरह से ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तैर है मछली नदी रही में, नदी में मछली तैर रही है, और जंगल में एक शेर रहता था। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। लिखा सभी ने? ओके, नेक्स्ट देखो, देखो आठवां क्वेश्चन है ये, जिस प्रकार डॉल्फिन मनुष्य की मित्र होती है उसी प्रकार बहुत से जीव जंतु मनुष्य के मित्र होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर पालतू पशुओं को उनके कार्य से जोड़िए। देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या है ये, हाँ ये है बैल, नहीं ये गाय है, ये गाय, उसके बाद ये कौन है, बैल, ये कौन है, कुत्ता, और ये ऊंट, ये घोड़ा, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, सामान ढोने के काम कौन आता है। तो आपको ये मैच करना है, इधर काम इसमें से देखो सिलेक्ट करना है, ये आपके लिए रचनात्मक कार्य है, ये आपको खुद ही करना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो सामान ढोने के लिए कौन काम आता है, उसको ज्वाइन करना है आपको। उसके बाद खेत जोतने के काम कौन आता है, वो यहाँ पर से देखना है ऑप्शन, और वो ज्वाइन करना है। सवारी के काम आता है, घर की रक्षा करता है, कौन करता है घर की रक्षा, आपको पता है। दूध कौन देती है हमें, ये भी आपको पता है, ठीक है। और क्या है, चार्ट पेपर पर समुद्र का चित्र बनाकर उस पर समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के चित्र चिपकाइए। इस तरह एक कोलाज भी रचना कीजिए। अगर आपको पॉसिबल हो तो इस तरह से ये रचनात्मक कार्य आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, ये कंपल्शन नहीं है। अगर आपको इच्छा है, आप कुछ कर सकते हो, तो इस तरह से ये चार्ट पेपर पर लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पर देखा था अभी क्रिया शब्द, तो इसका डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, मोर नाच रहा है, और क्या है, घोड़ा दौड़ रहा है, और यहाँ पर क्या है, रजनी पढ़ रही है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये बच्चा देखो प्रदीप, इसका नाम क्या रखा है यहाँ पे, प्रदीप, प्रदीप सेब खा रहा है, देखो। और नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, कौन सा सीन है इसका, चिड़िया, ये चिड़िया, चिड़िया दिख रही है ना आपको, चिड़िया उड़ रही है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये बच्ची क्या कर रही है, हंस रही है, राधा हंस रही है। तो देखो बच्चों, ऊपर चित्रों में सभी कोई ना कोई काम कर रहे है ना, क्या कर रहे है, मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है, घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है ना, रजनी क्या कर रही है, उसके हाथ में बुक है, वो पढ़ रही है। उसके बाद देखो ये प्रदीप के हाथ में क्या है, सेब है, तो ये सेब खा रहा है। ये चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है, और ये राधा हंस रही है। तो ऊपर चित्रों में सभी कोई ना कोई काम कर रहे हैं, नाच, दौड़, पढ़, खा, उड़, शब्दों से किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है, ये क्रिया शब्द है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों क्रिया शब्द क्या है। देखो बच्चों, हमने व्याकरण फर्स्ट में क्या सीखा था, हमें भाषा सीखना क्यों जरूरी है, लिखना पढ़ना सोचना बोलना अपने मन के भाव बताने के लिए हमें भाषा सीखना बहुत जरूरी है,
ये हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, बारह खड़ी देखी थी, उसमें स्वर व्यंजन देखे थे, स्वर और व्यंजन हमने देखे थे। स्वर कितने थे, अ से लेके आहा तक, और उसके बाद व्यंजन देखे थे हमने क से लेके श्र तक। आपने ये किया ना बारह खड़ी। और हमें भाषा सीखना क्यों जरूरी है, लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, अपनी मन की बात करने के लिए हमें भाषा सीखना जरूरी है। ये भी हमने व्याकरण फर्स्ट में देखा था। आपने बारह खड़ी लिखी ना सब, ठीक है। और उसके बाद व्याकरण टू में हमने क्या देखा था, संज्ञा, और उसके बाद विशेषण सर्वनाम। तो संज्ञा में हमने क्या देखा था, जो पशु पक्षी और मानव, इनके जो नाम होते हैं चीजों के नाम, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, संज्ञा बोलेंगे। ये हमने किया था ना, ठीक है, आपको याद है संज्ञा यानी क्या। उसके बाद हमने क्या देखा था, सर्वनाम। सर्वनाम यानी नाम की जगह पर जो यूज करते हैं शब्द, हम उसे सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि देखो, राम खेल रहा है, राम बुद्धिमान है, राम बहुत होशियार बच्चा है, राम रोज पढ़ाई करता है, ऐसे हर टाइम हम लोग एक ही नाम को बार बार नहीं दोहराते, तो उसकी जगह पर हम दूसरा नाम यूज करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वनाम। जैसे कि राम अच्छा बच्चा है, वो अच्छी पढ़ाई करता है, वो बहुत चतुर है, वो बुद्धिमान है, तो इस तरह से ये हो गया सर्वनाम। उसके बाद विशेषण, राम ये बुद्धिमान है, तो उसका विशेषण क्या आ गया, बुद्धिमान। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज ये क्या हो गया, उसका उसका क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। तो इस तरह से हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये पठन किया था। उसके बाद अब हम क्या देख रहे हैं, क्रिया है ना। तो क्रिया आपको समझ में आ गया कि ऊपर चित्रों में सभी कोई ना कोई काम करे, जैसे कि नाचना, दौड़, पढ़, खा, उड़, शब्दों से किसी न किसी काम के होने का पता चल रहा है, इसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अभी देखो यहाँ पर ये बच्चा बुक पढ़ रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर खेल रहा है, ये क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, और ये बच्ची क्या कर रही है, गाना गा रही है ना। देखो डेली के वर्क में हम लोग कुछ काम करते हैं, जैसे कि दौड़ना, हंसना, सुनना, पीना। हम क्या क्या पीते हैं, शरबत पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, और सुनते हैं। क्या क्या सुनते हैं हम लोग, रेडियो सुनते हैं, गाना सुनना है, किसी की बात सुनना है, और कुछ पढ़ाई पढ़ाते हैं तो तभी भी सुनते हैं हम लोग, तो ये सुनने की क्रिया हम करते हैं। हंसना, कोई मजाक हो रहा है, कुछ बातें चल रही है जिससे कि हमें हंसी आती है, तो हम लोग हंसते हैं, ये भी क्या है, क्रिया है। दौड़ना, तो हम लोग जब खेलते हैं उस टाइम क्या करते हैं, दौड़ते हैं, है ना। तो हमारे ये डेली में हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि दौड़ते हैं, हंसते हैं, सुनते हैं और पीते हैं। उसके बाद क्या है, देखो सोना, ये भी हमारी एक एक्टिविटी है। देखो यहाँ पर ये बच्चा सो रहा है, ये बच्चा है। रोना, ये भी एक क्रिया है, रोना। उसके बाद झूलना, तो ये बच्चा पार्क में खेल रहा है, बच्ची, तो इसको जब झूले में हम झूलते हैं, झूलना, ये भी क्या है, ये एक प्रकार की क्रिया है। उसके बाद नहाना, डेली हम नहाते हैं, नहाना है ना, अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहाना बहुत ही जरूरी होता है, तो देखो नहाना, ये भी हमारी क्रिया हो गई। उसके बाद क्या है, बजाना, ये बच्चा क्या बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, ठीक है, तो ये भी एक एक्टिविटी हो गई, बजाना। तैरना, स्विमिंग, देखो तैरना, ये भी एक प्रकार की क्रिया है। उसके बाद है चलना, देखो ये बच्चा चल रहा है, चलना, ये भी एक क्रिया है। जागना, नींद से हम लोग जागते हैं, तो ये भी एक क्रिया है, जागना। उसके बाद है पकाना, पकाना क्या क्या पकाते हैं, रसोई जो पकाते हैं उसे हम लोग पकाना कहेंगे, ये है पकाना। भौंकना, यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो ये भी एक क्रिया हो गई। दहाड़ना, शेर क्या करता है, दहाड़ता है ना, दहाड़ना, ये भी क्रिया हो गई। चिंगाड़ना,
यानी ये हाथी देखो जोर से आवाज कर रहे हाथी की जो आवाज होती है जोर से उसे हम क्या बोलेंगे चिंगाड़ना ठीक है। तो काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया आपको समझ में आ गई होगी, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा क्रिया शब्द हटा कर लिखो तो आपको गलती नहीं करना है, बराबर से लिखना है। आपने देखा ना पढ़ा ना मैंने क्या क्या बताया अभी, तो इस तरह से क्रिया होती है जैसे कि पढ़ना लिखना खाना पीना सोना आदि क्रिया शब्द है ठीक है। समझ में आ गए बच्चों आपके क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं, पढ़ना लिखना खाना पीना सोना नहाना उठना बैठना बोलना ठीक है, ये सब क्या है क्रिया शब्द है। देखो अभी यहाँ पर कुछ सीन दिख रहा है, चित्र में कौन कौन क्या कर रहा है खाली स्थान में लिखिए। देखो ये सीन में दिख रहा है, ये घर का सीन दिख रहा है ना, घर का सीन दिख रहा है ना, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो बच्ची है ये क्या कर रही है दूध पी रही है ना, और ये जो औरत है ये क्या कर रही है उसकी माता से कट कर रही है, और ये बच्चा क्या कर रहा है टीवी देख रहा है। तो देखना ये यहाँ पर क्रिया हो रही है, सेब कट करना ये क्रिया हो रही है, ये दूध पीना पीना ये क्रिया यहाँ पर हो गई, और देखो ये पिताजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना ये भी एक क्रिया है। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या हो गया यहाँ पर क्रिया हो गई, प्रिया दूध पी रही है तो पीना ये क्या हो गया क्रिया हो गई, प्रखर वो जो बच्चा आपको मैंने दिखाया था लास्ट सीन में उसका नाम यहाँ पर क्या दिया है प्रखर, प्रखर टीवी देख रहा है, देखना ये क्या हो गया यहाँ पर क्रिया हो गई, माँ चाकू से फल काट रही है तो काटना क्या हो गया यहाँ पर क्रिया हो गई। समझ में आ गया क्रिया कैसी होती है, काम बताने वाले शब्दों पर गोला लगाइए। देखो बच्चों ममता नाच रही है तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है नाचना हाँ, तो यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर ये गोल करेंगे, घोड़ा दौड़ रहा है तो क्रिया कौन सी हो रही है घोड़े के ऊपर दौड़ रहा है, हाथी चिंगाड़ रहा है, हाथी जब आवाज करता है तो हमें उसे क्या बोलते हैं चिंगाड़ना चिंगाड़ रहा है, प्रियंका खेल रही है कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पर, प्रियंका क्या कर रही है खेल रही है, कुत्ता भौंक रहा है कौन सी क्रिया कर रहा है कुत्ता ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया हो, समझ में आ गया कि क्रिया किस तरह से होती है और वो किस तरह से लिखना है ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हमने ग्रामर का पार्ट सीखा आज, क्रिया क्रिया शब्द किस तरह से हमें लिखना है, और प्रकृति की गोद में डॉल्फिन ये पार्ट का भी हमने पठन किया, उसका स्वाध्याय भी सॉल्व किया। तो अभी आपके लिए गृह कार्य गृह पाठ है, पाठ का वाचन एक बार कीजिए और पाठ में आए कठिन शब्दों का वाचन दो बार करना है। तो बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा कि डॉल्फिन मछली अपने साथ कैसे रहती है, मानव के साथ मित्रता के साथ रहती है, वो हमें हेल्प करती है। तो इससे हमें सीखना है कि ये जो समुद्री जीव जंतु है इनको अगर हमें संभाल कर रखना है तो हमें प्रदूषण की रोकथाम करना है ठीक है। समझ में आ गया पाठ आपके, तो ओके बच्चों तो इस पाठ का वाचन आप करो और स्वाध्याय भी छोड़ो, ओके धन्यवाद।